असलम वेलकम बैक टू अनम साजिद ब्लाग्स कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आज हमारा पंजाब का जो है वो लास्ट ब्लॉग है और अभी बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है और हम आए थे कब्रस्तान्टी की कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए शायद बस नमाज़ पढ़ कर आए तो हम जो है ना वो कब्रस्तान निकलाए बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है सूरज अभी सही तरह से नलु भी नहीं हुआ वैसे भी जितने दिन तक हम यहाँ पर रहें हैं ना तो शायद तो तकरीबन हर दूसरे दिन जो है ना वो यहाँ आते रहे लेकिन मैं आज जो है ना वो सेकंड टाइम आई हूँ जिस दिन हम लोग आए थे उस दिन मैं आई थी और उसके बाद जो है ना वो आज आई हूँ तो बस अब यहाँ से आंटी की कब्र पर फातिहा पड़ी है उसके बाद फूल हम लेकर आए थे वो डाले आप लोग भी जो है ना वो आंटी की मकफ़त के लिए दुआ कर दीजिएगा और बस यही दुआ है कि अल्लाह पाक जिनके भी वालदेन जो है वो ज़िंदा है ना अल्लाह पाक उन्हें सेहत और ज़िंदगीताफ़र आमीन वैसे तो हम जब भी जो है ना आते थे ना कब्रिस्तान तो अंकल हमारे साथ होते थे लेकिन आज क्योंकि हम जो है वो बाइक पर आ गए तो अंकल ने कहा कि बस तुम दोनों जो है ना वो चले जाओ और जब हम चले जाएंगे आज तो अंकल भी पीछे से जो है ना वो फिर अकेले हो जाएंगे उदास हो जाएंगे जितने दिन तक हम यहाँ रहते हैं इकट्ठे बैठते थे खाना खाते थे जहाँ भी हम जाते थे वो हमारे साथ होते थे तो उनका भी जो है वो काफ़ी दिल लगा हुआ था लेकिन अब मजबूरी ये है कि हम उन्हें कहते हैं कि आप वहाँ आ जाएं आप वहाँ पर आकर हमारे पास रहें तो अंकल आपको पता है बुज़ुर्ग जो है वो खुले माहौल के रहने के आदी हैं सारी ज़िंदगी उनकी यहाँ गुजरी है मिलने जुलने वाले इतने माशाला से कभी उनके पास कोई आया होता है कभी वो किसी के पास गए हुए होते हैं तो इस तरह उनका जो है वो दिल लगा रहता है और आपको पता है शहरों का माहौल जो है वो कंजस्टेड कंजस्टेड होता है बहुत ज़्यादा मिलना जुलना भी नहीं होता तो फिर जो है ना वो वो परेशान हो जाते हैं वहाँ पर और मुश्किल से हफ्ता ही रह पाते हैं आते हैं हमारे पास लेकिन हफ्ता ही रह पाते हैं और फिर वो उदास हो जाते हैं अभी भी हम उन्हें कह रहे थे कि आप हमारे साथ चलें तो उन्होंने कहा था कि नहीं अभी तो तुम लोग हो लोग जा रहे हो तो जाओ अभी जो है ना मैं थोड़े दिनों के बाद जो है ना फिर दोबारा चक्कर लगाऊंगा जब यहाँ ठंड ज़्यादा हो जाएगी ना तो कराची में इतनी ठंड नहीं होती तो फिर मैं चक्कर लगाऊंगी तो हमने कहा ज़रूरी इन तो बस वहाँ से कब्रस्तान से निकले और थोड़ी देर जो है ना वो यहाँ पर आके बैठ गए और इस तरह सूरज को निकलते हुए मंजर को देखना बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था तो फिर मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ गाँव का आखिरी सूरज गरूब होते हुए शेयर किया है तो एक आखिरी सूरज तलू होते हुए भी जो है ना वो ज़रूर शेयर करना चाहिए तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को जो है ना वो ये खूबसूरत सा नज़ारा जो है वो कैसा लगा चारों तरफ हरियाली हरियाली एकदम से आँखों को जो है ना वो सुकून महसूस होता है और मुझे ना यहाँ पर आके सारे के साथ भी टाइम स्पेंड करने में बहुत मज़ा आया क्योंकि वहाँ पे इतनी बिजी लाइफ है ना हमारी कि एक दूसरे के साथ भी टाइम गुजारने को जो है ना वो बहुत कम मिलता है तो यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा टाइम एक दूसरे के साथ हमें स्पेंड करने को मिला तो वो भी बहुत अच्छा जो है ना वो लगा एक बिल्कुल दिमाग भी रिफ़्रेश हो गया और अब वापस जा जो है ना बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ दोबारा सारे काम जो है वो स्टार्ट करेंगे वहाँ से वापस आए और अब हम जो है ना अभी यहाँ पर नाश्ता करें नाश्ता किया सिस्टर इन लॉ के घर गई थी वहाँ पे नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद जो है ना वो अपने घर वापस आए अपना सारा सामान जो थोड़ी बहुत लास्ट टाइम की पैकिंग थी उसे पैक किया और अब दोपहर का टाइम है सामान बिल्कुल दरवाजे पर रेडी है निकलने के लिए तैयार हैं और मेरी जितनी नंदे पास रहती थी सारी की सारी वो हमें मिलने के लिए आई और बच्चे हैं भी साथ उनके जो है ना आए बस उनसे मिलना मिलाना हुआ और उसके बाद जो है वो अब हम बस निकलने के लिए बिल्कुल रेडी हैं हालांकि हमारी जो गाड़ी है उसका टाइम रात का है लेकिन हमें क्योंकि खाने वाल थोड़ा सा कुछ काम था तो इसलिए भी थोड़ा हम जल्दी निकल रहे थे और दूसरा यहाँ से तकरीबन खाने वाल तक का जो रास्ता है ना वो भी घंटा डेढ़ घंटे का है तो उस उसमें भी टाइम जो है वो लग जाता तो इसलिए हमने सोचा कि हम थोड़ा जल्दी निकल जाते हैं ताकि हमारे वहाँ वाले, वाले काम भी हो जाए और आपको पता है मैंने पिछले वाले ब्लॉग्स में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मेरी दो सिस्टर इन लोग वहाँ पर भी रहती हैं तो थोड़ा थोड़ा टाइम उनके पास भी बैठेंगे तो इस तरह टाइम गुजरने का पता ही नहीं चलेगा और अभी इस टाइम दोपहर तो का टाइम है और मौसम आप देखें ऐसा देखकर लगता है कि जैसे जो है ना बस रात होने ही वाला है सर्दियों के दिनों का ना ये एक बहुत अच्छा चीज़ होती है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है बस ये हम खाने वाल पहुँच चुके हैं पहले एक सिस्ट्रेन लौके घर थोड़ी देर बैठे पानी वानी पिया रेस्ट किया थोड़ा सा और अब हम जो है ना वो यहाँ पर आए हैं फ्लावर शॉप के ऊपर क्योंकि मुझे बुके लेना था और वो मैंने क्यों लेना है ये मैं अभी आप लोगों के साथ जो है ना आगे वीडियो के अंदर शेयर करूँगी तो बस आप लोग ना वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा तो मैं यहाँ पर जो है ना वैसे मुझे जो ख़ास जो है ना वो बुके बने हुए अच्छे लग नहीं रहे थे ये और अभी हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं था कि हम जो है ना ऑर्डर ऑर्डर पे बनवाते या फिर हम ना कहीं और जाते तलाश करने के लिए तो बस फिर जो कम टाइम का यही था कि जो भी चीज़ अवेलेबल थी ना वो बस हमने जल्दी जल्दी लेने की क्यों क्योंकि हमें अपने गाड़ी के टाइम को भी ध्यान में रखना था जो हमारे पास अब टाइम भी बहुत कम रह गया था सिर्फ दो तीन घंटे ही बाकी थे कि उसे उस हमें स्टेशन पहुँचने के लिए ना तो बस वहाँ से बुके लिया और अब हम आगे हैं बेकरी पे केक पसंद करने के लिए और यहाँ पे जो है ना वो मैं केक सेलेक्ट कर रही करी हूं। सारे केक माशाल्लाह से दिखने में तो बहुत अच्छे लग रहे थे तो फिर मुझे जो है ना वो चॉकलेट पाइन एपल केक अच्छा लगा तो मैंने सोचा कि मैं यही ले लेती हूँ और अब तक आप लोगों को जो काफी है ना काफ़ी हद तक वैसे अंदाजा हो भी गया होगा और वैसे तो देख के वैसे भी पता चल गया होगा कि जो है ना वो किसी की यकीन बर्थडे है तो हाँ जी जी हमारी बहुत ही प्यारी सी भांजी की बर्थडे थी तो उसकी वजह से जो है ना वो मैंने पहले बुके लिया और जो है ना अब यहाँ बेकरी केक लेने के लिए आए हुए हैं और अभी तक जो है ना किसी को भी पता नहीं था कि मैं केक लेकर आ रही हूँ या जो है ना हम बुके लेकर आ रहे हैं इवन के अंकल हमारे साथ हैं हमें छोड़ने के लिए जो है ना वो स्टेशन तक जाना था अंकल ने तो अंकल को भी हमने जो है वो रास्ते में नहीं बताया अभी जब बेकरी पे पहुंचे हैं ना केक लेने के लिए तब हमने अंकल को बताया कि उसकी जो है वो सालगिरह है और इसकी वजह से जो है ना वो हम केक ले रहे हैं तो हमने सोचा कि छोटा सा सरप्राइज़ उसे देते हैं खुश हो जाएगी वो भी ऐसे ही जिक्र हुआ था बातों बातों में तो उसने मुझे बताया तो मुझे याद रह गया कि हाँ जिस दिन हमने वापस जाना है ना तो उस दिन उसकी बर्थडे है तो हमने सोचा चलो छोटा सा जो है ना उसको सरप्राइज दे देते हैं बहुत ज़्यादा बड़ा कुछ अरेंज नहीं कर सके क्योंकि एक तो टाइम बहुत कम था हमारे पास और वापसी के टाइम को ध्यान में रखते हुए जितना हम कर सके उस टाइम जल्दी जल्दी बस हमने वही किया और अभी केक लेकर जो है वो हम यहाँ से निकल रहे हैं अभी हम जाएंगे उनके घर में और अंकल अभी तक तो हमारे साथ ही हैं अंकल को हमने बाहर गाड़ी के पास खड़ा किया था और अभी हम जो है वो उनके घर पहुंच आए हैं तो गाड़ी अंदर जो है वो गली में नहीं जा सकती थी तो यहाँ पे हमारा सारा सामान भी उतारा जा रहा है क्योंकि अंकल अभी हमें छोड़ के जो है ना वो चले जाएंगे और क्योंकि रात को रात को बहुत लेट टाइम है गाड़ी का तो अंकल को हमने कहा कि आप जो है ना वो हमें छोड़ के घर वापस चले जाइएगा तो फिर हम यहाँ से जो है ना वो ख़ुद ही बैठ जाएंगे यहाँ से रजिस्ट्रेशन तक का रास्ता बहुत थोड़ा सा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना तो बस अभी अंकल जो है ना वो केक कटिंग सेरेमनी तक रुकते हैं उसके बाद अंकल ने कहा कि मुझे तो फारि करो ताकि मैं तो जल्दी जल्दी जो है नंधेरा होने से पहले घर वापस चला जाऊँ तो हमने कहा ठीक है और यहाँ पर जो है वो हम घर पहुँच चुके हैं और ये हमारी प्यारी सी भानजी है जिसकी जो है वो बर्थडे थी तो आप सब लोग भी जो इसको है इसको हैप्पी बर्थडे विश कर दीजिएगा और दुआएं कीजिएगा कि अल्लाह पाक जो है ना वो इसकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लाए सेहत और ज़िंदगी वाली लंबी उम्र करे इसकी आमीन सुमा आमीन और ये जो है वो केक था और केक भी माशाल्लाह से बहुत ही यमी था और हमें जल्दी जल्दी में और कोई बिक्री का पता नहीं था तो जो भी हमें सामने नज़र आई हमने उसी से केक जो है ना वो ले लिया पर जो है वो केक कट गया और सब लोगों ने खा भी लिया और जो है सब हम पे गुस्सा कर रहे थे कि हमने जो है पहले क्यों नहीं इन्फॉर्म किया अगर हम पहले से बता देते तो और भी अच्छे तरीके से जो है वो अरेंजमेंट हो जाती लेकिन हमने सोचा कि हमें ना हम सरप्राइज़ देते हैं क्योंकि सरप्राइज़ वैसे भी आपको पता है सबको बहुत अच्छे लगते हैं तो जो है ना मुझे तो खैर बहुत अच्छे लगते हैं बस जी केक खा लिया केक खाने के बाद जो है वो अंकल अब घर वापस जा रहे हैं क्योंकि अंकल को अंधेरा होने से पहले घर वापस पहुँचना था उस बस अंकल के जाने के बाद जो है ना वो हमने आपस में थोड़ी सी इंजॉयमेंट की मैंने सारी ने और बच्चों ने बहुत मज़ा किया और मुझे लास्ट टाइम की ना कुछ और अच्छी अच्छी यादें जो है वो समेटने का मौका मिल गया और बस यहाँ मज़े वगैरह करने के बाद जो है वो आप ही ने खाना जो है वो तैयार किया हुआ था और ये खाना बनाकर हमारा दोपहर तो से वेट कर रही थी क्योंकि हमने इन्हें कहा था कि हमने जिस दिन जाना है ना तो उस दिन खाना हम आपके घर से खा लेंगे जिस दिन हम लोग उस दिन आए थे खाने वाले तो उस दिन हमने इनके घर से खाना नहीं खाया था तो ये ना नाराज़ हो रही थी तो हमने कहा जिस दिन हम जाएंगे ना तो उस दिन खाना खा लेंगे तो आप ही लोग खाना बना के हमारा दोपहर से वेट कर रहे थे और हमें आते आते लेट हो गया और ये बेचारे भी हमारे इंतज़ार में जो है ना वो दोपहर से भूखे बैठे हुए थे इन्होंने भी खाना जो है ना वो नहीं खाया था तो ये भी अब हमारे साथ ही खाना खाते रहे और खाना माशाल्लाह से बहुत ही यमी बना था बहुत मज़ा आया और मैंने तो मना भी किया आप क्योंकि जो है ना वो हमारे लिए रास्ते में हमें ज़रूरत नहीं है खाने की तो आपे ने कहा ना फिर भी हमें रास्ते के लिए पैक करके भी जो है ना वो खाना दे दिया और क्योंकि हमने अभी रात में यहाँ से खाना खा लिया तो पेट भर गया था माशाला से और अभी ट्रेन में बैठते ही हमने जो है वो सो जाना था इतना टाइम ही नहीं होना था हमारे पास क्योंकि गाड़ी बहुत लेट नाइट का टाइम था तो हमने कहा खाने की ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी आप ही ने जो है ना वो हमें हर चीज़ पैक करके दे दी साथ में खाना खाने के बाद जो है ना वो अब हम यहाँ पर कस्टर्ड खा रहे हैं कस्टर्ड भी बहुत ही यमी बना हुआ था तो बस जाते जाते आप ही ने कहा चाय बनाओ तो सारी ने कहा कि नहीं चाय थोड़ी देर के बाद पीते हैं तो खाना खाने के बाद थोड़ी देर जो है ना वो रेस्ट कर लिया हमने और उसके बाद आने से बस थोड़ी देर पहले निकलने से पाँच मिनट पहले जो है ना वो हम लोगों ने चाय पी तो बस हमने कहा कि अब हम यहाँ से खाना वाना खा के चाय वाय पी के जा रहे हैं ट्रेन में जाते ही बस लेटेंगे और सो जाएंगे और फिर सुबह देखेंगे ट्रेन जो है ना वो कहाँ पर पहुँची होती है तो बस सब कुछ हो गया उसके बाद जो है वो बृक्षा आ गया था क्योंकि हमारे निकलने का टाइम हो गया था रात भी हो चुकी थी यहाँ से स्टेशन तक का जो फासला है वो तकरीबन दस से पंद्रह मिनट का था दस से पंद्रह मिनट स्टेशन पहुँचने में लगते हैं उसके बाद ट्रेन आने में सिर्फ आधे घंटे का टाइम जो है ना वो बचा था तो मैं अपने इस वाले व्लॉग को जो है ना वो यहीं पर एंड करती हूँ इन सा अला वाला व्लॉग जो है वो ट्रैवलिंग व्लॉग होगा जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी तो तब तक के लिए जो है ना इजाजत दीजिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़